हेलो मेरे देव लोग के पॉपुलर्स, वेलकम टू देव 2.0। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे यार। आज के एक और नई मजेदार मसालेदार रिएक्शन वीडियो के साथ में वापस, और ये मेरी सेकंड वीडियो है आज की। जो इससे पहले मैंने वीडियो अभी डाली है थोड़ी देर पहले, उसका नाम है शायद, और वो गाना आया हुआ है JJ47 तला यूनुस का। सो जाकर के आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बट अभी जिस गाने पे हम रिएक्शन देने वाले हैं, उस गाने का नाम है इंडियन मेलोडीज, और ये गाना है MC इनसेन का। सो MC इनसेन इज वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट। उनका जो गाना है ट्रस्ट मी, वो मेरा फेवरेट गाना है भाई। लिटरली बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है वो गाना मेरे लिए, मैं उसको लूप पे सुनता हूँ आज भी। सो उम्मीद करता हूँ ये गाना भी कुछ मुझे लूप मटेरियल मिल जाए, सो डेफिनेटली मैं इसे पूरा सुनूंगा और देखेंगे क्या कुछ है गाने में। तो लास्ट में अपना रिव्यू दूंगा, मुझे गाना कैसा लगा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा। तो ऑनेस्ट ओपिनियन जाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो अगर रिएक्शन वीडियो पसंद आती है तो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बहुत तगड़े रिएक्शन वीडियोस, ब्रेकडाउन वीडियोस प्लस ऑनेस्ट ओपिनियन वीडियोस मिलते हैं। तो सब्सक्राइब करना भाई, कर लो यार, है ना, जल्दी से 600 कितना है, 70 है, 700 फटाफट हिट करते हैं, तो आप लोग करवा दोगे, मेरे को इतनी उम्मीद है। सो लेट्स गो। वॉल्यूम बहुत ज्यादा। क्रिस्टो, ओके, प्रोड्यूस किया क्रिस्टो ने, तो यार इनकी ब्यूटी वर्क बहुत पसंद आती है। ओ भाई शादीशुदा, ये क्या हुआ, सदमे में बेचारा। गलतियां होती है सबसे, पर तुम माफ करो, दिल साफ करो। जब ये बंदा पता है, जब ये खींचता है ना ऐसे, साफ करो। सो ये चीजें ना, जो हरकतें करता है ना गानों में, वो मेरे को बहुत सही लगती हैं। और ट्रस्ट मी इज वन ऑफ माई फेवरेट गाना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इस टाइप की वोकल्स और इस टाइप का लाइक अच्छा अच्छा काम किया। अबे यार ये क्या कर दिया, जो कुछ भी था अपने उसके एहसास को तुम भूल गए। ओके, तो अभी तक जितना मेरे को समझ आया है, गाना ब्रेकअप हो चुका है, या मे बी अगर शादी हो चुकी है तो डाइवोर्स हो चुका है, मतलब दे आर सेपरेटेड नाउ। जो पहले कभी साथ में थे, अभी वो लोग साथ में नहीं है। सो समथिंग लाइक दैट, वो वाली वाइब है गाने में, और बहुत सही लाइंस भी हैं कि पेन से सिर्फ दुख भरी बातें निकल रही है मेरे आजकल। मेरी जाना कभी तू ना मेरे लिए रोना, तू रहती ना पास मेरे, आसपास मेरे, जो कुछ भी था अपने उसके एहसास को तुम भूल गए। चाहोगे भूल गए, देखा ये चीज है, पास तुम आओगे तभी तो कह पाऊंगा जो भी कहना है। बस तब तक ही सहना है, जब तक तुम आओगे नहीं, हो जब तक तुम आओगे नहीं, जब तक तुम आओगे नहीं, जब तक तुम आओगे नहीं, हम क्या रहेंगे, सोचा है क्या कभी तुमने, अपनी फैमिली कह दिया तुझे इस दिल ने, सही है, मैं आगे कहना कुछ चाहती, इशारे दिखा दी, आहट है दिल में चाँद से मिल के गायब हो जाती, क्यों सभी को भूल के, बीजी छोटी यादें जब मिलाऊं तेरे सामने, तू नखरे दिखा दी तब क्यों, होली का रंग मेरे ईद का, तू चांद त्योहार पे ना आए कभी तू, ओ बुलबुल तेरी आवाज सुना दे कभी तू, आज पर्दे के बाहर पहचान मुझे, जाना यूं अंधेरे में ना छुपा करो तू, ओ सपनों में आके, ओ सपनों में आके। भाई बहुत दर्द है इसकी आवाज में लिटरली। सपनों में घुड़ी मेरे सपनों में, सपनों में, सपनों में, सपनों में, एक ही जगह मेरे छुपने की, और वो मेरा सपना तुम आ चुकी, उधर भी जाने भी तो बंदा ही मो, प्यार ना दो, फीलिंग से लो, ओ दोनों ही एक्स्ट्रोवर्ट, जब भी हम मिले तब एक्स्ट्रोवर्ट, प्यार में हम लोग को लाश होकर, सबके रिश्ते टिके बातों पर, अकेला ही चलना लेना सहारा, वो करते हैं मदद फिर कहते बेचारा, पर चुप ही मैं रहता, मैं दुनिया से हारा, ऊपर से जिंदा मैं अंदर से ही, क्या होता हार क्या होती जीत, मुझे बचाए मेरा संगीत, उजाले में नहीं अंधेरा है ठीक, नफरत मुंह पे दिल से है प्यार चैंपियन। पता यही लाइंस, जो इस टाइप की लाइंस है ना, ये मेरे को MC इनसेन लाइक, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो इस टाइप की लाइंस बोलते हैं गानों में कि वो लोग टूटे हुए हैं, बट वो फीलिंग नहीं आती यार, मतलब
ऐसा होता है, बट डेफिनेटली जब एम सी इनसेन ऐसी बातें करता है ना, जब ट्रस्ट मी, में जब वो बोलता है ना, मेरी मम्मी को नहीं समझ आता है पॉप, फिर भी वो कहती कि बेटा ऑन टॉप, तो मतलब वो चीज़ ना, एक फीलिंग उसके दिल से आ रही होती है प्रॉपर एकदम, ऐसा लगता है। सो यहाँ पर देखो जो लाइन्स बोली है ना, बहुत ज़्यादा एक वाइब दे रही है, फीलिंग्स आ रही है। क्या होता हार, क्या होती जीत, मुझे बचाए मेरा संगीत, उजाले में नहीं अंधेरा है ठीक, नफरत मुंह पे दिल से है प्यार, चैंपियन दुनिया खो से निकली याद, प्यार कहे था का इंदा गो में ना वो बात, मैं तेरा जाम पिया होठों ने आंखों से निकली याद, यानी कि दारू पीने के बाद जो सबके साथ होता है, बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को, कि मतलब हम होठों से पीते हैं बट आंखों से याद आती है, यानी कि आंखें रोती हैं। सो दैट इज द थिंग ही वांट्स टू से। तू भले ही मेरी ना हो, तुम कहते हो ये पागलपन, तुम चाहे कुछ भी कहो, वैसा नहीं बन पाया जैसे हुई परवरिश से, ये सबसे दूरी मुझे चाहिए अपनी अंतरिक्ष, आंखों में तू देखते दे हाथ मेरे हाथ में, और कितना रो बता तुम सभी के याद में, अब मुझ पे हंसते हैं लोग, उन्हें ये लगता है ड्रामा, मुझे पहुंचा दो वहां पे जहां पे रहते हैं अल्लाह और रामा, खत्म करो ये जख्म भरो, इंसान से ऊपर क्यों रकम करो, मैं कहता हूं ठहरो थोड़ा रुको, वो कहते हैं मूव ऑन आगे बढ़ो, ये दिल मेरा टूटा है सभी से रूठा है, बात ये छूटी पर साथ न छूटा है जो, मतलब एमसी इंसान की सोच ऐसी है ना कि वो देखेंगे फ्यूचर में, देखूं बचपन। सो ये ऐसी सोच जिस बंदे की होती है, डेफिनेटली उसकी फीलिंग्स बहुत प्योर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो कह रहे हैं मैं कहता हूँ थोड़ी देर रुको, और वो बोलते हैं कि मूव ऑन आगे बढ़ो, है ना। सो दिस इज़ लाइफ भाई, आगे बढ़ना ज़रूरी है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें रोक करके वो चीज़ें देखनी चाहिए क्या सीन है, और हो सकता है वहाँ कुछ बात बन जाए। मिक्सिंग बहुत सही, हल्का सा ऑटो ट्यून फील कर रहा मैं। He is begging literally. सपना है। ये शॉर्ट्स काफी प्यारे थे वीडियो में। सो रहा है। द फील एल्बम जिसमें 6 मेलोडीज, अच्छा 6 नंबर का था इंडियन मेलोडीज, क्रिस्टो क्रिस्टो मास्टर्ड बाय एस, फिल्म बाय साहिल। ओके सो दिस वाज द फील एल्बम का 6 गाना था ये, और आई थिंक ऑर्गन है शायद या नहीं, हो सकते हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट जो मेरे को इस एल्बम में सबसे बेस्ट गाना लगा वो आई थिंक ट्रस्ट मी देन फील मी, और एक था वो क्या ना फील मुझे, हाँ वो तो फील मी एक हर्ट मी, वो तीनों गाने बहुत सही है ना, और डेफिनेटली ये गाना भी काफ़ी अच्छा था, बट लेवल, एक लेवल सेट करके रखा है ना एमसी इनसेन ने, वो डेफिनेटली टच नहीं कर पाया। सो यार मतलब गाना काफ़ी अच्छा है, कोई इसमें खराबी नहीं गाने में, बट हमारी एक्सपेक्टेशंस कई बार इतनी ज़्यादा होती है ना किसी बंदे से, सो वो चीज़ें मैच कर पाना हर बार पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, सुप्रीम एग्जाम्पल देता हूँ, गॉटलेट 2.0 आपने सुना होगा ना, तो रैप डीमन से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे खतरनाक कुछ आना चाहिए, है ना, वो लिमिट सेट करिए, बट डेफिनेटली अगर वो खुद चाहे ना बैठ के मैं ऐसा गाना बनाऊँ, तो वो भी मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है ना, वो एक्सपेक्टेशंस जो हमारी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें, बट गाना काफ़ी अच्छा था ये वाला, डेफिनेटली आप प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हो, लूप पे सुन सकते हो, बट मेरे को अभी भी मेरा इस एल्बम का फेवरेट गाना ट्रस्ट मी, वो सुपर रिलेटेबल गाना है भाई, डेफिनेटली। सो एमसी इनसेन मजा आएगा गाने को सुन करके, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाओ, ठीक है, आपके क्या विचार है गाने के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो कि आपको गाना ये, अगर ट्रस्ट मी से हम कंपेयर करें तो ये वाला अच्छा लगा है ट्रस्ट मी, डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाओ, और अगर आपके पास कोई गाना है जिस पर रिएक्शन वीडियो में दे सकता हूँ तो इंस्टाग्राम पर लिंक है, आओ फटाफट वहाँ बातें बातें करते हैं बातें बातें यार, आ जाओ फटाफट, लिंक भेजो मेरे को, देखता हूँ कैसा क्या सीन है, तो देखा जाएगा उसी हिसाब से।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बट उससे पहले यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, 700 फटाफट हिट करवा दो, 1K करवाना है बट 700 अभी के लिए टारगेट रखते हैं, फटाफट हिट कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।